चंद्रयान 3 के लिए 20 अगस्त है खास, क्योंकि इसरो ने बताया एक नया चैलेंज। चंद्रयान 3 के लिए ना बहुत ज्यादा अहम है 20 अगस्त का दिन, क्योंकि एक और बड़ी चुनौती पर रहेगी इसरो की नजर। तो चलिए इसके हेडलाइट्स के बारे में जान लेते हैं कि इसके हाइलाइट्स क्या है। नंबर फर्स्ट पर इसरो ने चंद्रयान को लेकर दी अहम जानकारी। नंबर दो, चंद्रयान 3 के लिए 20 अगस्त को है बड़ी चुनौती का दिन। नंबर 3, रविवार को एक बार फिर की जाएगी डीप बूस्टिंग। अगर हम सबसे पहले इसके अपडेट के बारे में बात करें तो चंद्रयान 3 ना तेजी से अपने मिशन की ओर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब तक चांद पर पहुंचने के तमाम पड़ावों को चंद्रयान 3 ने तो बखूबी से पार कर लिया है। शुक्रवार को 4 बजे ही ना चंद्रयान 3 को इसरो ने पहली बार डी बूस्ट किया था। अब ये प्रक्रिया भी सक्सेसफुली पूरी कर ली गई और चंद्रयान ने चांद की सबसे करीबी परिधि में प्रवेश कर चक्कर लगाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अभी चुनौतियों की बारी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो की ओर से ना चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़ी जानकारी साझा भी की गई है। दरअसल इसरो के मुताबिक ना चंद्रयान 3 के लिए 20 अगस्त का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दरअसल चंद्रयान 3 अगस्त की 23 तारीख को चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। तो ऐसे में ना इस सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान किसी तरह की परेशानी या दिक्कत ना आए, इसलिए लैंडर मॉड्यूल की स्पीड को नियंत्रित किया जा रहा है। अगर हम बात करें दूसरी डी बूस्टिंग की, तो लैंडर को कंट्रोल करने के लिए इसकी डी बूस्टिंग की जा रही है। पहली डी बूस्टिंग तो 18 अगस्त को कामयाब रही, इसके बाद अब लैंडर मॉड्यूल की दूसरी बूस्टिंग होना ना अभी बाकी है। ये डी बूस्टिंग 20 अगस्त यानी आज के दिन होगी, और खास बात ये है कि इस दौरान चंद्रयान 3 को ना चांद के काफी करीब लाया जाएगा। ये चांद की कक्षा में लगभग उतरने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यही वजह है कि प्रक्रिया भी चंद्रयान 3 के लिए काफी बड़ी चुनौती के रूप में देखी जा रही है। अब इसरो ने एक और भी बहुत बड़ी राहत दी है, क्योंकि इसरो ने ना इसके साथ ही एक राहत की जानकारी, बहुत रिलीफ भरी जानकारी इसलिए भी दी है क्योंकि इसरो ने यह भी बताया है कि लैंडर और रोवर दोनों की स्थिति पूरी तरह से ठीक है, ऑल इज गुड। और फिर ये भी देखा जाएगा कि ये दोनों ही सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, बस अब इंतजार है। तो 23 अगस्त शाम 5:47 का जब चंद्रयान 3 ना चांद की सतह पर उतरेगा। तो ये तो था चंद्रयान 3 का लाइव स्टेटस अपडेट। इसी तरह घर बैठे और भी ज्ञान जानना है तो जुड़ी रहिए हमारे चैनल के साथ ना।